हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो ऑन फाइव थिंग्स दैट आई विश आई न्यू बिफोर लर्निंग डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स बाय कोडिंग निंजास। माई सेल्फ विशेष एंड आई विल बी टेकिंग यू थ्रू दिस वीडियो। सो गाइज, लेट मी शेयर दोज फाइव थिंग्स। सो फर्स्ट वन इज बिलीविंग इन आवर सेल्स। गाइज देखो, जब हमारा मोटिवेशन लो होता है और हमारा मन नहीं करता कि हम DSA प्रैक्टिस करें, तो उस समय यही चीज़ है। अगर तुम्हें लगेगा कि येस यू कैन डू, देन तुम DSA को प्रैक्टिस कर पाओगे, राइट? सो बिलीविंग इन आवर सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, वी शुड रेगुलरली सबमिट एंड चेक आवर कोड ऑन ऑनलाइन IDs, राइट? सपोज तुम कुछ क्वेश्चन कर रहे हो लीड कोड से, राइट? तुमने उस क्वेश्चन को अपने लोकल कंपाइलर पे सॉल्व किया, उसका कोड लिखा एंड वहीं पे कुछ सैम्पल टेस्ट केसेस रन करके देख लिए, और तुम सोचोगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन नहीं, तुम्हें लीड कोड पे भी सबमिट करना है, राइट? तभी तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं, राइट? सो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ऑनलाइन IDs पे अपना कोड सबमिट करके ज़रूर देखना है, राइट? सेकेंड थिंग है, परसेवरेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट? सो गाइज, क्या होता है ना, मुझे भी लगता था अपने टाइम पे कि मैं सॉल्यूशंस नहीं सोच पा रहा हूँ, जबकि मेरे साथ वाले आसानी से सोच लेते हैं और आसानी से कोड लिख लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है गाइज, हो सकता है तुम आज सॉल्यूशन नहीं सोच पा रहे हो, राइट? बट लेकिन अगर तुम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे 3-4 मंथ्स, देन तुम्हारे भी सॉल्यूशन दिमाग में आने लगेंगे, तुम भी उन लोगों की तरह फास्ट हो जाओगे, राइट? सो परसेवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई विश आई न्यू इज दैट वी नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 100 problems रैंडमली टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। सो गाइज, लॉट ऑफ पीपल से कि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो गाइज जब तुम 90-100 problems खुद से करोगे ना रैंडमली, किसी भी टॉपिक के रैंडमली उठा लिए 100 problems, तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? सो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें रैंडमली प्रॉब्लम्स करनी होंगी। एंड द नेक्स्ट थिंग है कि तुम एटलीस्ट ट्राई करो कुछ सॉल्यूशन सोचने का जो तुम्हें बेस्ट सॉल्यूशन तक ले जाए, राइट? तुम सीधा ही बेस्ट सॉल्यूशन सोचने का ट्राई मत करो, क्योंकि हो सकता है वो दिमाग में ना आए, लेकिन एटलीस्ट थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन दैट विल गिव यू अ वे टुवर्ड्स द बेस्ट सॉल्यूशन। सो तुम्हें पहले ब्रूट फोर्स सोच सकते हो, राइट? तो ब्रूट फोर्स में तुम देख सकते हो क्या चीज़ मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, उसको कैसे ऑप्टिमाइज करूँ, वो चीज़ तुम्हें अपने बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ लेके जा सकती है, राइट? सो ये गाइस फाइव थिंग्स थी जो मुझे लगता है कि मुझे DSA सीखने से पहले ही पता होनी चाहिए, सो दैट मैं बेटर सीख सकता था DSA, राइट? सो थैंक यू गाइस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो फॉर मोर सच वीडियो, स्टे ट्यून टू आवर कोडिंग निंजास चैनल। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।